सरगुजा दौरे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शहीद जवानों को लेकर खाद्य मंत्री ने जताया दुख। अंबिकापुर में जारी है सचिव संघ का धरना प्रदर्शन, 42 दिनों से धरने पर बैठे हैं सचिव संघ। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आतंक जारी, नक्सलियों ने जियो टावर में की आगजनी। जगदलपुर में मजदूर दिवस पर श्रमिकों ने की अवकाश की मांग, नगर पालिका निगम और चैंबर ऑफ कॉमर्स को सौंपा गया। सूरजपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया घेराव, कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर गेट पर लगाया ताला। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत सरगुजा दौरे पर है, जहाँ उन्होंने नक्सली हमले में 10 जवान शहीद, वाहन चालक की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया और कहा कि नक्सलियों ने खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही हमारे जवान हर मोर्चे पर डट कर नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, यही वजह है कि नक्सलियों का खात्मा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार भी नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। पीडीएस में जो शॉर्टेज आया था, उसमें अंबिकापुर नगर निगम में कुछ कितना लोगों के खिलाफ एफ आई आर है? ठीक, 12 लोगों के खिलाफ। चलो ठीक है, इसको करो, थोड़ा सीधा बैठ गया आप, बस ठीक है, देखो पीडीएस में जो शॉर्टेज है। बस्तर में नक्सली लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नक्सलियों के बारसूर पल्ली मार्ग पर हर्रा कोडेर गांव में लगे जियो टावर में आगजनी का है। बता दें कि आबजमाड़ में इस क्षेत्र में अभी हाल ही में नेटवर्क की सुविधा शुरू हुई थी, नक्सलियों ने उसी टावर में आग लगा दी है। वहीं अंबिकापुर में एक सूत्री मांग को लेकर पिछले 42 दिनों से प्रदेश में सचिव संघ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। वहीं जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं 2 दिनों से सचिव संघ ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के पदाधिकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर डटे हुए हैं, एक ओर सचिव धरने पर बैठे हैं तो वहीं पंचायत सहित कई विभागों के काम ठप हो गए हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं जो आज पंचायतों में चल रही है, लेकिन सचिव संघ के हड़ताल पर बैठे रहने के साथ सभी ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विकास कार्य भी रुक गए हैं। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विकास कुमारी है। ये बताइएगा कि क्या आपकी मुख्य मांग है और आज कितने दिन हो गए आप लोग को बैठे हुए? हम लोग का एक ही मांग है, शासकीयकरण, और 42 दिन हो गया है। और अब क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया क्या? जी, 24 तारीख से भूख हड़ताल किया गया है। तो आप लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और कोई रास्ता निकाल रहे हैं क्या, कि भूख हड़ताल पर है क्या कुछ? जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सोहन राम यादव है, मैं ग्राम पंचायत कुबेरपुर का सचिव हूँ। हम लोग विगत 16 मार्च से लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज तक प्रशासन शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा दुख है। घनत्व तो कम है, लेकिन भीड़ कम है, लेकिन घनत्व तो ज़्यादा है। गोबर गोठान का काम का ड्रीम प्रोजेक्ट को करते हैं, यदि सरकार काम पूरा नहीं करता है सचिव का, तो हम सरकार दिनों से धरने पर बैठे हुए सचिव संघ, अभी तक सरकार ने, प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर कोई भी काम नहीं किया है और अब
नौबत ये आ गई है कि सचिव संघ भूख हड़ताल कर रहे हैं। बता दें आपको, 7 दिनों से ये भूख हड़ताल भी चल रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं ग्रामीणों के इस हड़ताल से ग्रामीणों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत का सभी काम ठप दिखाई दे रहा है, ग्रामीण इस वजह से परेशान है। तो वहीं प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है। 42 दिन हो चुके हैं इस आपको बता दें, इस धरने को 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस पर। वहीं अभी तक मांगों को लेकर कोई भी रुख अपनाया नहीं जा रहा। अंबिकापुर में ये एक सूत्री मांग को लेकर 42 दिन से सचिव संघ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा। आपको बता दें, जिले के सभी विकास खंडों में पंचायत सचिव शासकीकरण की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, जिसके लिए वो अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। वही 2 दिन से क्रम एक भूख हड़ताल भी शुरू है, लेकिन क्रम पदाधिकारियों के सर पे कोई जू तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें, कोई भी रुख अपना, कोई भी सरकार इस पर कदम उठाने को तैयार नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जय इक्का जुड़ चुके हैं। तो जय, अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन 42 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए सचिव संघ, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं, ये एक सूत्रीय मांग को लेकर 42 दिन का ये धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, जिसको लेकर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जय। वहीं जगदलपुर में 10 करोड़ से ज्यादा अधिक की राशि नगर निगम को निर्माण कार्यों के लिए दी गई है। वहीं निगम पदाधिकारी और पार्षद निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए आभार जताने विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय पहुंचे, जहां नगर निगम जगदलपुर के 113 कार्यों के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई है। इस राशि से वार्डो में सीसी सड़क, नाली जैसे निर्माण किए जाएंगे। सूरजपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा ने आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना झपटी भी हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। वहीं भाजयुओं ने सरकार पर दमन करने के साथ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार द्वारा कई नियम और शर्त भी लागू किए गए, जिसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बेरोजगारी भत्ते के लिए लगाए गए नियम और शर्तों को हटाते हुए सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग की गई है। जो गेट पे है, हम लोगों ने उनको प्रयास किया है ताला लगाने से रोकने के लिए, पूरी तरह सफल नहीं हो पाए अपने प्रयोजन में। कुछ लोगों ने ताला मारने की कोशिश की, अंदर तक गेट तक पहुंचाए थे, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई भी प्रशासन करने की तैयारी में रहेगा क्या? देखिए, पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, शांतिपूर्वक पूरा प्रदर्शन होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ के जिस तरह से गेट के अंदर घुस के फिर इन लोगों ने है, और निश्चित रूप से जलेबी के जैसे गोल गोल, जब हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घेराव किया 1,50,000 लोगों के साथ, निश्चित रूप से उसके बाद इनकी नींद जगी। और बेरोजगार युवा भाई बहनों को भत्ता देने के लिए केवल घोषणा करते हैं, और अभी इतनी विसंगति है उसमें कि प्रदेश में 15-16 लाख बेरोजगारी युवा भाई बहन पंजीकृत बेरोजगार होंगे, जिसमें से 15-20,000-30,000 लोगों को रोजगार देने की बात दूर, केवल भत्ता देने की बात कहते हैं। जबकि हमारा प्रश्न इनसे ये है कि 4.5 साल में एक एक युवा का लाखों लाख रुपए का जो भत्ता पेंडिंग है भूपेश बघेल। वहीं जगदलपुर में मैना मित्र पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं कैंपा योजना के तहत संचालित मैना संरक्षण और संवर्धन प्रोजेक्ट मैना के संरक्षण के लिए कारगर साबित हुआ है। प्रोजेक्ट में मैना मित्रों ने
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगे 30 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर शनिवार और रविवार को स्कूली बच्चों को पक्षी दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं अभी नेस्टिंग सीजन में पहाड़ी मैना के नए घोंसले देखने को मिले, जिसमें इस समय पहाड़ी मैना अपने बच्चों को फल और कीड़े खिलाते हुए देखी जा रही है, जिनकी निगरानी मैना मित्रों और फील्ड स्टाफ द्वारा की जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर का बस्तर दौरे पर है, वहीं प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह से स्वागत किया। साथ ही ओम प्रकाश माथुर ने प्रेसवार्ता में 12 सीटें जीतने का दावा किया है। बाद में प्रदेश प्रभारी ने दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में शहीद हुए 11 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि 12 सीट जीतने के लिए ग्राउंड जीरो पर कार्य करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उनका समाधान करना पड़ता है, जो भाजपा करना ही नहीं जानती। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा उजागर हो चुका है। पूर्व में भी इनके द्वारा जब इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी और 15 वर्षों तक इन्होंने सरकार के रूप में ऐतिहासिक जनादेश पाया था और जनता ने इन पर विश्वास जताया था, लेकिन जनता के विश्वास पे कहीं खड़े नहीं उतरे। सिर्फ काफिलों में घोषणाएं करते रहे, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 15 वर्षों से राज करने के बाद चुनाव का समय है, हर पार्टी का प्रभारी अपने प्रभार क्षेत्र पर आता है। ओम माथुर जी भी आए हुए हैं, वो बिल्कुल आए, उनका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी। अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करें, लेकिन एक चीज़ को अवश्य रूप से ध्यान दें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्ट रहा है बस्तर को लेकर के, फिर वो नारायणपुर की घटना को देख, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।